दोस्तों देख सकते हैं चारों तरफ मटर ही मटर, साग सब्जी ही मटर, साग सब्जी के बीच में हम हैं। देखिए पीछे तरफ सरसों, इधर मटर, और उधर आगे तरफ में आलू, मूला। तो चलिए देखिए तोड़ रहे हैं किस तरह। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BNM कीर्ति ब्लॉग पर। तो दोस्तों सभी को सबसे पहले गुड इवनिंग। अभी शाम हो रहा है, तो दोस्तों हम लोग अभी चले बाड़ी की ओर, और बाड़ी में हम लोग तोड़ेंगे जो जो मटर हो चुका है। देखेंगे मटर के साथ और क्या क्या है तोड़ने लायक। तो आज स्पेशल मतलब हार्वेस्टिंग का वीडियो रहेगा, तो ये हम लोग लेके जा रहे हैं, इसी में हम लोग भरेंगे जो भी तोड़ेंगे। तो चलिए चलते हैं बाड़ी की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग का स्वागत करता है ये वाला फूल, गुलाब फूल, गुलाब का फूल एकदम पूरा खिलखिलाता हुआ बाड़ी में सबसे पहले। उसके बाद देखिए बाड़ी में सब साग वगैरह हो चुका है। दोस्तों देख सकते हैं इस साइड में सब छोटा छोटा है, इस साइड वाला बाड़ी में। तो हम लोग चलेंगे उस साइड वाला बाड़ी में। तो चलिए उधर। तो दोस्तों इस साइड वाला में घुस गए हैं बाड़ी में। तो देखिए कितना सारा हम लोग का यहाँ पर मटर सब है। तो चलिए मटर सब को तोड़ लेते हैं बड़ा बड़ा सबको। यहाँ पर है बड़ा, ये है बड़ा, ये सब। इधर का मैं थोड़ी इसे उतना बड़ा नहीं है, जो हार्ड है वही सब इधर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर हो जाएगा। ये देखिए सामने में दोस्तों देख सकते हैं इस जगह में कितना सारा गैदरिंग है। देखिए तो अच्छा हम लोग का मटर हो गया है, उधर उधर भी देखिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब देखिए हम लोग तोड़ कैसे रहे हैं जंगल जंगल में घुस घुस के। थोड़ा कैमरा करने में भी दिक्कत हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ इतना सरसों हो गया है, एकदम हम लोग से भी लंबा लंबा। उधर में देखिए, उधर में अब मटर का पौधा है ना, थोड़ा सा खींचेंगे तो टूट जाता है, जड़ ही उखड़ जाता है, इसलिए पूरा सावधानी से तोड़ना पड़ेगा। ये कैसे तोड़ना पड़ रहा है, एकदम अंदर अंदर से ढूंढ ढूंढ के। देखिए कहाँ पे एकदम हो गया है इस सब में, देखिए इधर एकदम सब ये हो गया है, सब तोड़ना है सबको। सब देख सकते हैं, देखिए कुछ कुछ जमीन में सट गया है, तो सड़ गया है। देखिए इसको भी हटा देते हैं, देखिए कैसे हो गया। देखिए हम लोग का कितना सारा हो गया है मटर, देख और अभी बहुत बाकी है तोड़ना। अभी बहुत ज्यादा मटर है, देखिए इस सब में, देखिए देखिए इस सब में कितना सारा है। नहीं निकालेंगे तो फिर ख़राब हो जाएगा, तो फिर कोई काम का नहीं रह जाएगा और सूख भी जाएगा, इसलिए हम लोग निकाल रहे हैं। वैसे इस बाड़ी में जितना हम लोग मेहनत किए थे उसका फल हम लोग को मिल रहा है। तो दोस्तों बहुत सारा चीज़ लगाए थे, जैसे देखिए आलू भी लगाए थे, गोभी भी लगाए थे, टमाटर भी लगाए थे, साग भी लगाए थे, धनिया भी, मूला भी, मटर भी, गाजर भी, लगभग हम लोग सब तोड़ तोड़ के खा रहे हैं बाड़ी का ही निकाल निकाल के। वैसे इसे बड़ा नहीं हुआ है अभी तक, खाने लायक नहीं हुआ है, अभी छोटा छोटा दाना है इस सब में, इसलिए ये सब कुछ छोड़ दे रहे हैं। और जो खाने लायक दाना है वो सबको अभी निकाल रहे हैं। वैसे देखिए इतना सारा निकल गया, अभी बहुत और भी ज़्यादा, देखिए कितना होगा, अभी करीबन निकला है, हाँ 1 किलो जैसे हो जाएगा, अभी और निकलेगा।
तो चलिए जल्दी जल्दी सबको तोड़ लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं चारों तरफ मटर ही मटर, साग सब्जी ही मटर, साग सब्जी के बीच में हम हैं। देखिए पीछे तरफ सरसों, इधर मटर और उधर आगे तरफ में आलू मूला। तो चलिए देखिए तोड़ रहे हैं किस तरह, देखिए किस तरह तोड़ रहे हैं। देखिए मटर सबको देखिए एकदम पूरा ये हो गया, पानी में ना ज़मीन में सड़ सड़ के ख़राब हो गया है कुछ कुछ मटर। तो सबको अच्छे से तोड़ रहे हैं ताकि पौधा ना निकल जाए। इसमें देखिए बहुत ज़्यादा है, अच्छा से तोड़िएगा ठीक। देखिए ये वाला से कितना सारा निकला, और सब खाने लायक नहीं है, खाने लायक इतना सारा निकला और कुछ तो पहले ही तोड़ के रख लिए थे। तो दोस्तों इसमें देखिए खाने लायक कितना सारा निकल रहा है, एक गो दो गो ये खाने लायक नहीं है, तीन गो चार गो पाँच गो छः गो सात गो। तो फ्रेंड्स आज बहुत ही मज़ा आ रहा है, सात गो हम लोग आए हैं तो एकदम मैंने क्या बोले कुछ प्रकृति का मतलब क्या बोलेंगे, प्रकृति के साथ रहने में मज़ा ही कुछ और लगता है। तो सात गो इससे निकला खाने लायक ये वाला पौधा से, और सब तो दाना अभी छोटा छोटा है। इसमें से दिखते हैं इसमें से नहीं है खाने लायक, ये वाला दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे बचपन में ये वाला बड़ी फोड़ते थे ऐसे, देखिए आवाज़ किया और चलिए देखते हैं। इसे फोड़ने में बचपन में बड़ी मज़ा आता था, देखिए कैसे फूट रहा है, बचपन में बड़ी फोड़ते थे ये सर। देखिए मेरे हस्बैंड को हम तोड़ रहे हैं, और हम इधर में बैठे हुए हैं क्योंकि बहुत मज़ा लग रहा है। तो दोस्तों सूरज को देख पा रहे होंगे आप लोग, देखिए किस तरह से एकदम शाम हो चुका है और हम लोग बाड़ी में मटर वगैरह तोड़ रहे हैं। लो ये सब को रखो आराम से। तो फ्रेंड्स देखिए तो दोस्तों ये वाला बाड़ी में जल्दी नहीं आते हैं, इधर का धनिया सब भी बड़ा हो चुका है नज़र आ गया है, तो इसलिए धनिया सबको भी तोड़ के लेके जाएंगे। एकदम किस तरह से एकदम जड़ से रहने दीजिए ओला, क्योंकि वो जो ये मटर पकड़ा हुआ है सरसों में ताकि वो पकड़ के खड़ा रह सके। ये मानते हैं लेकिन हमको जगह तो मिलना चाहिए तोड़ने के लिए। देखिए मेरे हस्बैंड धनिया भी तोड़ लिए, देखिए एक जगह से एक ही बार में इतना सारा धनिया निकला। तो दोस्तों देख सकते हैं चारों तरफ से
दोस्तों सबसे पहले इतना सारा हम लोग मटर तोड़े, मतलब करीबन हो जाएगा 2 केजी, और थोड़ा सा धनिया तोड़े हैं। और आज बाड़ी में आके बहुत अच्छा लगा, चारों तरफ फूल ही फूल एकदम, तब यहाँ से उठने का मन ही नहीं कर रहा है, अगर बैठ जाते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। चारों तरफ देखिए एकदम हरियाली हरियाली, एकदम येलो येलो वाइट वाइट, एकदम फूल ही फूल देखिए। देखिए येलो फूल वाइट फूल एकदम मस्त लग रहा है। देखिए सरसों का बागान, ये सब सरसों है जो कि हम लोग ये सब को जब पक जाएगा तब हम लोग इसको निकालेंगे सरसों सबको। और पता होगा इसे क्या क्या बनता है क्या नहीं बनता है, आप लोगों को तो पता ही होगा सरसों से सरसों का तेल ही बनता है, और भी बहुत सारा जैसे मछली उछली में भी लगता है और सब सब्जी में भी। तो टमाटर अभी तक तो हुआ नहीं है, देखिए अभी तक छोटा छोटा ही है, अभी पका नहीं है जो लगाए थे टमाटर। फूल गोभी वगैरह भी इतना जंगल हो गया है कि जंगल से सब ढक गया है। ये देखिए फूल, ये देखिए फूल गोभी, और कुछ तो एकदम जंगल से ढक चुका है। दोस्तों ये वाला फूल गोभी सब तो अच्छा से हुआ नहीं, पर इधर का देखिए फूल गोभी सब, दोस्तों हम लोग देखिए 2 केजी मटर तोड़ लिए हैं, और हम लोग का पूरा बाड़ी में इतना सारा मटर निकल गया, बल्कि अभी तो कुछ बाकी ही है, सब दिखाई भी नहीं देता है, और इतना तोड़ लिए हैं। और देखिए धनिया पत्ता इतना सारा तोड़ लिए हैं जो कि हम लोग को दिखा, वैसे तो बहुत ज़्यादा है धनिया पत्ता, फिर भी इतना सारा सामने में दिख गया है तो तोड़ लिए हैं। और इतना सारा गाजर भी इतना सारा तोड़ लिए हैं। ये सब छोटा छोटा इसलिए हुआ है क्योंकि ये घास बहुत ज़्यादा है इस बाड़ी में, तो इसलिए मतलब ज़्यादा नहीं फलने दिया, जो जहाँ पे अच्छा मिला स्पेस वहाँ पे हो गया है, देखिए अच्छा अच्छा, बाकी सब पतला हो गया है। और एक्स्ट्रा में देखिए दोस्तों हम लोग क्या तोड़े हैं, और इसको देखिए एक्स्ट्रा में देखिए हम लोग इतना बड़ा मूला, इसको मूला का नहीं मूला का बाप बोलेंगे, देखिए इतना बड़ा है ना कि मूला का बाप बोल सकते हैं इसको, तो चलेगा। तो साग तो हम लोग खा सकते हैं ना, हाँ साग खा सकते हैं, तो मूला को फेंक देंगे, इतना बड़ा है जो कि बुढ़ा गया है, साग को हम लोग बनाएंगे तो साग को साइड कर लेंगे और मूला को फेंक देंगे। तो दोस्तों इतना सारा हम लोग साग सब्जी तोड़ लिए हैं, तो आज का हम लोग जो जो तोड़े वो सब दिखा दिए, खासकर हम लोग को यही सब तोड़ना था, तो आज का वीडियो में यही आप लोग को दिखाना था कि हम लोग जो मेहनत किए थे वो कितना हुआ, हम लोग का मेहनत का फल आज हम लोग को मिल ही गया। और ये बारी का भी आप लोग शेयर कर ही लिए हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है, और अभी सूरज भी ढल चुका है तो हम लोग अब घर की ओर चलेंगे। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर।